हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद मीठू। आज हम बनाएंगे आम की खट्टी मीठी चटनी। बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट होता है, और किस तरह से आप इसे बनाएं ताकि ये पूरे साल भर चले वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा। तो आम की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 किलो कच्चा आम। इसे मैंने छील के धो लिए हैं, और धोने के बाद इसे अच्छे से पोंछ लीजिएगा, नहीं तो आप इसे पंखे के नीचे भी रख सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहनी चाहिए, एकदम ड्राई कर लेना है, नहीं तो चटनी को आप पूरे साल भर नहीं रख सकते, ये ख़राब हो जाती है। अब हम इसे काट लेंगे, और इसके अंदर जो सीड है उसे हम निकाल देंगे। चाहे तो आप इसे ऐसे लंबे रख सकते हैं, नहीं तो इसके बीज काट के थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं। तो ये मैंने सारे काट लिए हैं, तो चलिए आप इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसे बंगाली स्टाइल में बना रही हूँ। तो मैं एक कढ़ाई में ले रही हूँ लगभग 2 टेबलस्पून सरसों का तेल, और जब तेल गर्म होगा तो हम इसमें डालेंगे 2 सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा तोड़ के डालिएगा, और ले रही हूँ आधा छोटा चम्मच पाँच फोड़न में सब कुछ होता है, मतलब जीरा, सौंफ, मेथी दाना, सरसों दाना और कलौंजी। और अलग से मैं ले रही हूँ इसमें आधा छोटा चम्मच सरसों दाना और आधा छोटा चम्मच सौंफ। अब ये सब कुछ तेल में डाल देंगे। अभी कुछ सेकंड के लिए इसे चला लेंगे, अभी फ्लेम को एकदम लो रखिएगा, इसे बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। फिर हम इसमें कच्चे आम को डाल देंगे, और आम को हम लो टू मीडियम फ्लेम में 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। और 2-3 मिनट बाद इसमें हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच नमक और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको इसे साल भर रखना है तो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, हमने जो नमक डाला है इसी से ये पक जाएगी। अब हम इसे कवर करते हुए पकाएंगे एकदम लो फ्लेम में, और इसे बीच बीच में चलाते रहिएगा। जब तक हमारा आम पक रहा है तब तक हम एक मसाला भी तैयार कर लेते हैं। तो मैं एक पैन में ले रही हूँ 2 सूखी लाल मिर्च, इसे थोड़ा सा चला लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच जीरा और आधा छोटा चम्मच मेथी दाना, इसे हम थोड़ा सा चला लेंगे, मतलब रोस्ट कर लेंगे। जब इसमें खुशबू आ जाएगी तो हम गैस को बंद कर देंगे, और इसे थोड़ा सा ठंडा करके हम पीस लेंगे। तो अभी आम जो है एकदम नरम हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे गुड़। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 किलो गुड़, 1 किलो आम के लिए मैं 1/2 किलो गुड़ डाल रही हूँ। आप इसमें चीनी डालना चाहते हैं तो चीनी भी डाल सकते हैं, नहीं तो 1/2 गुड़ 1/2 चीनी भी डाल सकते हैं। अब हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक गुड़ मेल्ट ना हो जाए। एग्जैक्टली कितना गुड़ या चीनी आपको डालना है वो डिपेंड होता है आम की खटास के ऊपर। अगर आम बहुत ज़्यादा खट्टा है तो चीनी या गुड़ जो भी डाले वो थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ता है। मैंने जो आम लिया वो बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1/2 किलो गुड़ डाला है। कोई कोई इसे बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करता है, तो चीनी या गुड़ आप अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। जब गुड़ मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, और फिर से हम इसे लो फ्लेम में ही 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ये वाइट विनेगर, ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है, तो इसे ज़रूर डालिएगा। तो इसमें हम 1 बड़ा चम्मच डाल देंगे, और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट और पका लेंगे। इस चटनी को बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना। तो ये जो चटनी है ऑलमोस्ट तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे, और गैस बंद करने के बाद हम इसमें मसाला को डालेंगे जो हमने ड्राई मसाला तैयार किया था। तो आप इसमें 2 बड़े चम्मच डाल दीजिएगा, तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप इसे बनाकर पूरे साल भर रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। कोई कांच का जार में आप इसे स्टोर कर सकते हैं। जार को पहले अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा, मतलब एकदम ड्राई कर लीजिएगा। जार को ऐसे ही रखिएगा, फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सके तो जार को कभी कभार धूप में रख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।